जालौन के कुछ विकासखंड के ग्राम बसोब में रिक्त हुई प्रधानी की सीट के लिए मतगणना समाप्त हो गई और इस सीट पर राजेश कुमार राजपूत ने जीत हासिल की है, जिन्हें रिटर्निंग अफसर ने जीत का प्रमाण पत्र दिया। बता दें कि कोंच विकासखंड के ग्राम बसोब में प्रधान की मृत्यु के बाद यह सीट रिक्त हो गई थी। इस सीट पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने उपचुनाव की घोषणा की थी, जिसके बाद 1 जुलाई को इस सीट पर मतदान हुआ था, जिसमें 6 प्रत्याशियों ने अपने भाग्य का फैसला आजमा रहे थे। बसोब ग्राम में कुल 2670 मतदाता थे, जिसमें 2014 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। आज इन वोटों की गिनती विकासखंड कोंच में की गई, जिसमें सर्वाधिक मत राजेश कुमार राजपूत को मिले। राजेश को 539 मत प्राप्त हुए, जिनके निकटतम प्रत्याशी राजेंद्र कुमार को 523 मत प्राप्त हुए, जिन्हें राजेश ने 16 मतों से हराया। तीसरे स्थान पर अनिल को 461, अनारकली को 381, जितेंद्र को 88 और कढ़ोर को 1 मत मिला, जबकि 21 अवैध मिले। रिटर्निंग ऑफिसर इंद्रनाथ सिंह ने विजयी प्रत्याशी राजेश कुमार को विजयी प्रमाण पत्र दिया। इस दौरान मतगणना स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात था, जिससे किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो सके। विजयी प्रत्याशी ने बताया कि वह गांव में सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ काम करेंगे और अपने गाँव को आदर्श ग्राम में ले जाएंगे। जनपद जालौन से अनुज पाटकर की रिपोर्ट।